हिमाचल की सत्ता में आते ही भाजपा ने वादा किया था कि बाबा रामदेव हिमाचल आकर सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, लेकिन अभी तक युवाओं को यह अवसर नहीं मिल पाया है। बता दें कि जिला सोलन के साधुपुल में पतंजलि योगपीठ के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था, जिसको लेकर रोजगार के बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ना होने से भाजपा ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य का कहना है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही यह मुद्दा ज्वलंत रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्वरोजगार के मौके दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट जिला सोलन के साधुपुल में बनना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर विराम लगा दिया था। लेकिन जैसे ही हिमाचल की सत्ता में भाजपा आई, दोबारा से इस पर विचार किया गया और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर सरकार के समक्ष बात की जाएगी, क्योंकि यदि यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसे रोजगार सृजित होगा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कालबाह्य मुद्दा है। ये मुद्दा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, जब से इंदिरा जी की सरकार बनी या जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी। लेकिन आज जो केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब उत्थान के लिए समर्पित सरकार है। हर उस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। स्वरोजगार के अवसरों को लेकर हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उसी दृष्टि में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से लोगों को ऋण दिए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो युवा है वो रोजगार सृजन करने वाला बने, रोजगार देने वाला बने, ना कि रोजगार मांगने वाला। जैसे रामदेव जी वाला कार्य वो भी अब तक शुरू नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्य है। एक बड़ा केंद्र यहाँ पर सोलन के अंदर, हमारे जिला के अंदर खुलना था, जिससे हमें आर्थिक रूप से हमारे जिला को पूरी तरह से लाभ मिलना था। बहुत बड़े रोजगार के संसाधनों का यहाँ सृजन होना था। उसमें पिछली जो हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी, उसने उसमें पूर्ण विराम लगाया है। निश्चित तौर पर हम ये प्रयास करेंगे कि दोबारा वो योजना यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो, दोबारा से वो प्रकल्प जो आदरणीय रामदेव जी का यहाँ आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हिमाचल की सत्ता में आते ही भाजपा ने वादा किया था कि बाबा रामदेव हिमाचल आकर सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, लेकिन अभी तक युवाओं को यह अवसर नहीं मिल पाया है। बता दें कि जिला सोलन के साधुपुल में पतंजलि योगपीठ के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था, जिसको लेकर रोजगार के बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ना होने से भाजपा ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य का कहना है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही यह मुद्दा ज्वलंत रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्वरोजगार के मौके दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट जिला सोलन के साधुपुल में बनना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर विराम लगा दिया था। लेकिन जैसे ही हिमाचल की सत्ता में भाजपा आई, दोबारा से इस पर विचार किया गया और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर सरकार के समक्ष बात की जाएगी, क्योंकि यदि यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसे रोजगार सृजित होगा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कालबाह्य मुद्दा है। ये मुद्दा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, जब से इंदिरा जी की सरकार बनी या जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी। लेकिन आज जो केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब उत्थान के लिए समर्पित सरकार है। हर उस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। स्वरोजगार के अवसरों को लेकर हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उसी दृष्टि में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से लोगों को ऋण दिए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो युवा है
वो रोजगार सृजन करने वाला बने, रोजगार देने वाला बने, ना कि रोजगार मांगने वाला। जैसे रामदेव जी वाला कार्य वो भी अब तक शुरू नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्य है। एक बड़ा केंद्र यहाँ पर सोलन के अंदर, हमारे जिला के अंदर खुलना था, जिससे हमें आर्थिक रूप से हमारे जिला को पूरी तरह से लाभ मिलना था, बहुत बड़े रोजगार के संसाधनों का यहाँ सृजन होना था। उसमें पिछली जो हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी, उसने उसमें पूर्ण विराम लगाया है। निश्चित तौर पर हम ये प्रयास करेंगे कि दोबारा वो योजना यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो, दोबारा से वो प्रकल्प जो आदरणीय रामदेव जी का यहाँ आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी सर, थैंक यू सर।